आज की इस वीडियो में हम आपको शाहपुर के घोड़े की तैयारी दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुर की चेतक प्रतियोगिता 13 मार्च को फाइनल की रेस रखी गई है और उसी को लेकर सारे घोड़े जोरों शोरों से तैयारी पर लगे हुए हैं। तैयारी कड़ी में कई घोड़ों की दिखाई है और इसी कड़ी में शाहपुर का ये घोड़ा है और इस घोड़े के ओनर हैं मिस्टर कृष्णानंद पांडे शाहपुर बिहार से। घोड़े पर जो घुड़सवारी कर रहे हैं उनका नाम सवार मेघू है और देख सकते हैं कि ब्रह्मपुर की इस फील्ड पर कितनी सुंदरता और सफाई के चाल का प्रदर्शन करता हुआ ये घोड़ा चक्र दर चक्र अपने चक्कर को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों की भीड़ यूं ही ब्रह्मपुर की फील्ड पर लगी रहती है जिस वक्त घोड़ों की तैयारियां या यूं कह लें कि जब इनका रिहर्सल चलता है। हम आपको ये भी बता दें कि ये घोड़ा लगातार कई वर्षों से इन चेतक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा है। सवार मेघू के हाथों में इस घोड़े ने रौनाई अयोध्या में हाजी सरफराज खान की चेतक प्रतियोगिता, वहीं मुजफ्फरपुर बिहार में पिछले वर्ष ही इस घोड़े ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी की चेतक प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। और घोड़ा अभी फिलहाल डुमरी की चेतक प्रतियोगिता का भी विजेता बन चुका है और फिर ये ब्रह्मपुर की इस बार फील्ड पर उतरा है। महादेव की ये धरती है, किसके सर पे ताज बांधेगी ये तो कोई नहीं बता सकता है। तैयारियां सबकी जोरों शोरों पर है और सभी लोग दावेदार हैं और सभी लोग एक से बढ़कर एक रूप में अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। इसी में आप देख सकते हैं सवार मेघू कितनी सफाई से और कितनी फुर्तीले अंदाज में घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि हमेशा ये घुड़सवार एक या दो पॉइंट कम ही अपने घोड़ों को रखता है और जब असली खेल रहता है उसमें इस घुड़सवार ने हर चेतक प्रतियोगिताओं में अपना प्रतिशत अच्छा ही दिखाया है। अब देखना ये है कि क्या अपना वही सितम सवार मेघू फिर से दोहरा पाएंगे और इस चेतक प्रतियोगिता में भी अपने मालिक कृष्णानंद पांडे शाहपुर बिहार का नाम रोशन करते हैं, साथ ही साथ अपना और अपने घोड़े का भी रुतबा यूं ही बरकरार रखते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि सर पे ताज किसके बधेगा। लेकिन यहाँ पर फील्ड पर एक बार फिर से आप सवार मेघू को देख रहे हैं, काफी शानदार तरीके से घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हमने कुछ अभी वीडियो आपको दिखाई है और आगे भी कई सारे घोड़े हैं जिनकी तैयारी अपने आप में बहुत दम रखती है इन चेतक प्रतियोगिताओं में अच्छी टक्कर देने के लिए। उन घोड़ों की भी वीडियो आने वाली है, ये आप कुछ ही वीडियो अभी देख पाए हैं, लेकिन रेस के पहले मैं आपको सारी वीडियो दिखा दूंगा और आप घर बैठे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस चेतक प्रतियोगिता में कितनी टक्कर होने वाली है। तो बड़े घोड़े की आपने तैयारी देख ली, वहीं पर इनका एक दूसरा घोड़ा नाकंद है जिसकी तैयारी भी सवार मेघू अभी कर रहे हैं। नया नया घोड़ा खरीद कर आया है और चौताले की चाल और बेहतर चाल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये घोड़ा भी कितनी सुंदर और सफाई के साथ साथ इस फील्ड पर अपना प्रदर्शन कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मपुर की चेतक प्रतियोगिता या ब्रह्मपुर की फील्ड एक चक्कर ही बहुत मायने रखती है, तो जो भी घोड़े छोटे अभी सीख रहे हैं दौड़ना, उनके लिए यहाँ पर चक्र पूरा करना और उन चक्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ना भी एक बड़ी बात है। वहीं पर कई सारे नए घोड़े भी दिखते हैं, हर चेतक प्रतियोगिताओं में दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मपुर की फील्ड पर ही दिखते हैं। हर चेतक प्रतियोगिताओं में कोई नया घोड़ा दिखता है, कोई नया विजेता बनकर उभरता है, तो उसी कड़ी में फिर से ये भी एक तैयारी है, तो एक नया घोड़ा फिर तैयार किया जा रहा है। आगे जो आप घोड़ी देख रहे हैं काफी सारी बारातों में वो घोड़ी कई बार दिखी है, कुछ रेसों में भी दिखी है। देखिए उसके साथ साथ दाहिने से घोड़ा चल रहा है, मतलब हो सकता है कि आगे चलकर ये घोड़ा बेहतर प्रदर्शन करे और बहुत अच्छा बनकर आगे निकले। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लिख सकते हैं, नए तो सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें।